नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। इस समय की सबसे बड़ी खबर मातृभूमि में हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक धमकी भरा ईमेल आया है। धमकी देने वाले शख्स का दावा है 20 स्लीपर सेल और 20 किलो आरडीएक्स के साथ पूरी योजना तैयार कर ली गई है। इस खबर के बाद एनआईए एक्शन में है। एनआईए ईमेल वाली आईडी की जांच कर रही है। धमकी भरा ईमेल एनआईए की मुंबई शाखा को आया है। ईमेल लिखने वाले शख्स ने यह भी लिखा है कि वो आत्महत्या कर रहा है ताकि साजिश का पर्दाफाश ना हो सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओम प्रकाश तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी इस ईमेल को लेकर और क्या कोई सुराग लग पाया कि किसने भेजा था या किस आईडी से ये भेजा गया था? शोभना, मैं आपको बता दूं कि ये ईमेल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मुंबई ब्रांच को मिला था और रात को 1:04 पर यह ईमेल एनआईए की मुंबई ब्रांच को प्राप्त हुआ था। इस ईमेल में कई तरह की बातें लिखी हुई थी जिसमें स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई थी। सबसे अहम बात यह है कि एनआईए ने अपने नोट में कहा है, जो उसने नोट इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज को भेजा है, कि एनआईए इस मामले में स्वयं कोई जाँच नहीं करेगा, क्योंकि एनआईए किसी के द्वारा अगर कहीं किसी एजेंसी में कोई मुकदमा दर्ज होता है या सरकार द्वारा कोई जाँच उसे रेफर की जाती है तब एनआईए जाँच करता है। चूंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है शोभना, लिहाजा इस मामले को जांच के लिए सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को भेज दिया गया है। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियां अब इस बात का पता लगा रही हैं कि ईमेल कहां से जनरेट हुआ था और इसके पीछे क्या साजिश है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। शोभना, ओम प्रकाश, मैं ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि मुंबई की एनआईए ब्रांच को ये ईमेल मिला, रात में 1 बजे ये ईमेल मिला। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री का मामला है और प्रधानमंत्री को पहले से ही बहुत थ्रेट है आतंकवादी संगठनों की तरफ से, पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है, तो इसमें क्या कोई ऐसा सुराग अभी तक मिल पाया है एनआईए को या सुरक्षा एजेंसियों को जिससे ये साबित हो सके कि ये ईमेल भारत में से जनरेट किया गया है या कहीं बाहर से हुआ है? बिल्कुल शोभना, इस मामले में सिक्योरिटी और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनकी कवायद लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अब तक जांच जो है उस ईमेल कर्ता के लगभग पास तक पहुंच चुकी है, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए कोई भी आधिकारिक तौर पर इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ईमेल का जो कंटेंट है वो अपने आप में किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है, लिहाजा इस मामले की जाँच सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस दोनों कर रही है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश, इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी, क्योंकि एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।